बेटी होगी, सुनो सभी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपकी बेटी होगी, देखो कल हमें इसकी शादी भी करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, परेशान है, ऐसा ना हो कि भाई ये अगर ना भी हम करवा में तो वो कुछ नहीं आप इसी देख सकते, दो ही बात है वो पूछ लो, क्या कुछ हुआ था जिसके कारण इतनी बखेड़ा खड़ा हुआ? ये करीब एक बजे की बात है, 12:30 एक बजे की बात है, रात को मैं बैठी हुई थी, स्टेज के लिए रेडी थी, मेरे पापा आते हैं और मेरे पापा ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो बेटा ये चेन, ये अंगूठी, ये सारा कुछ उठा के फेंक के मारा, लड़के ने अपनी चेन तोड़ी, उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे जो दो हमारे लड़कियों के जो हस्बैंड है, जो दामाद है हमारे, उनका नहीं दिया, हमारे बड़े लड़के का आपने कुछ नहीं दिया, ना हमारी मानतान करी, आपने पूरे बिरादरी में हमारी बेइज्जती कर दी। और फिर उसके बाद में अंदर आके उन्होंने हमें ये कहा कि आपने पैसे ना पैसे दिए और ना आपने गाड़ी दी जिसकी बात हुई थी। उसके बाद पूरी रात सुबह 4:30-5 बजे तक मेरे फादर, मेरे ताऊ और मेरा ब्रदर और मेरे एक और ब्रदर हैं, वो तीनों चारों इनके पैर पकड़ते रहे और ये लात मार मार के उनको, लिटरली लात मार मार के उनको कहते रहे, कहते नहीं मानते, नहीं मानेंगे, फेरे तब होंगे जब आप हमें ये उठा के दोगे। और जो ये लड़का जो मैं ये फेसबुक पे देख रही हूँ, जो ये कह रहा है कि लड़की एग्री कर रही है मेरे साथ शादी करने को, मैं उसके साथ कोई एग्री नहीं कर रही हूँ। जो इंसान आज मुझसे दहेज मांग सकता है, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड आई एम डूइंग PhD इन लॉ, अगर मैं एक लॉयर होके मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है तो आप सोच के देखो, एक नॉर्मल आम लड़की जिस बेचारी को कुछ पता भी नहीं होता है, जिसको लॉ के बारे में नहीं पता होता है, उनके साथ में क्या हो सकता है और क्या होता होगा। कमल, लड़के ने कहा कि मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ। सर सब कहते हैं, अगर वो मुझे ये कह रहे हैं, अगर वो मेरे फादर को ये कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं आप ऐसे मत दो, आप कैश दे देना, उसका मतलब क्या होता है सर, आप मुझे बता दो। एक दावा वो ये कर रहा है, मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती है, मैं गाड़ी की डिमांड उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो, ये बात उन्होंने बोला, आपसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो, उन्होंने बोला क्या मतलब होता है आप मुझे ये बताओ। कोमल जी ऐसी कोई बात हुई, आपने अप्रिशिएट किया? मैंने उनको कोई अप्रिशिएट नहीं किया, आप उनसे पूछो कभी मेरी उनसे कभी व्हाट्सएप पे बात नहीं, मैंने बोला कि अगर मुझे गाड़ी चाहिए होती तो मैं खाली मांगता, रिकॉर्डिंग हो उनके पास में, कोई मैसेज हो के मैंने उनको, मैडम वो ये कह रहे हैं कि रिबन कटाई के टाइम पे लड़की की बहनों ने 1,00,000 रुपए की डिमांड की, नहीं ये अरेंज मैरिज है, उन्होंने बोला रिबन काटने के टाइम लड़की की बहनों ने 1,00,000 की डिमांड की, 1,90,000 है मेरी, हमने जब ये डिमांड, वो डिमांड हो जाती है मैडम, आपके घर में शादियां हुई है कभी? होती है, उस पे सालियां खड़ी होती है मैम, वो तो ठीक है लेकिन नहीं होती है, वो एक सगन होता है, सगन होता है, वो सगन होता है, लेकिन उनका कहना है कि 5100 हमने तरफ से शगुन दिया, उन्होंने तो वो भी, उनका कहना है 5100 जब लिए गए वो वापस फेंक दिए गए, जो मेरी होने वाली ननद है उनके हस्बैंड ने ये कहा, मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, जल्दी जल्दी फैसला करो क्या कर रहे हैं, और वो गाड़ी कहाँ है जो बाहर खड़ी होनी चाहिए थी, कहाँ है वो गाड़ी, जब हमने पुलिस वालों को बुलाया कहता 2 मिनट में बेल करवा लूंगा, करवाओ करवाओ जो करवाना है। कोमल जी, कोमल जी एक बात, आप भी जॉब करते हैं कोमल जी? बिल्कुल जॉब करती हूँ मैं, लीगल एडवाइजर हूँ, लीगल असिस्टेंट हूँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचकुला। कोमल जी आप ये कह रहे कि गाड़ी बाहर खड़ी हो रही, क्या ये गाड़ी की बात पहले हो चुकी थी कि गाड़ी बाहर खड़ी होनी चाहिए थी, इस समय बात हुई थी पहले? नहीं, हम ऐसे टाइम नहीं दे पाए। एक आखिरी सवाल, पीछे एक आपने ऑडियो सुना होगा, क्रेटा मांग रहे थे, वायरल हुआ था, एक सब इंस्पेक्टर था। नहीं नहीं सर, मैंने आज मैंने इस तरीके का मामला सामने आया है, क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं सर, संदेश यही है कि मतलब जो पढ़े लिखे हैं, अगर उन लोगों के साथ भी यही होगा, उन लड़कियों के साथ भी यही होगा, और सर CM सिटी में ये चीज हो रहा है, मैं तो कहती हूँ उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, वो आपके यहाँ पे खड़े होकर झूठी ये गवाही दे रहा है यहाँ पे कि लड़की मेरे साथ एग्री कर रही है शादी करने के लिए, मैं कोई एग्री नहीं कर रही हूँ, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कितना कैश मांगा था इन्होंने? इन्होंने सर, इन्होंने कहा था कि सामान का आप हमें पूरा कैश दे दो, सावधान गाड़ी किया इन्होंने हमें बोला था, फॉर्च्यूनर कोई भी बड़ी गाड़ी आप हमें दे दो, हम एट द मोमेंट नहीं अरेंज कर पाए। ये भी सुना है इन्होंने सर, वहाँ पे बैठ के ये बोला कि वो 20,00,000 और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी का क्या हुआ जो आप हमें देने वाले थे। ये भी सुना है कि पापा ने ब्याज पे पैसे लिए और उसके बाद 80 लोगों को चांदी का सिक्का भी दिया। मेरे फादर एक फार्मर है, यूपी में सर बागपत में
बागपत जिला पड़ता है सर हमारा, वहाँ पे पिछले कम से कम भी 7-8 सालों से सर वहाँ पे किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिला है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी लड़की टाइमली नहीं मिलता है, और अगर किसी लड़की किसी के घर में शादी है तो आप अपनी लड़की की शादी का कार्ड आप वहाँ पे दिखाइए और वो आपको कैश दे देते हैं। वहाँ पे दिखाना होता है एक जगह, वहाँ पे मेरे फादर एक्चुअली मेरे कार्ड यहाँ पे छपे थे जिसपे यहाँ का करनाल का एड्रेस था, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पे ही रहती हूँ। मेरे फादर वो लेके गए और वो एट ए टाइम रिजेक्ट हो गया। मेरे फादर ने परसों ही मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। कितने? 2 लाख अमाउंट मेरे फादर ने ट्रांसफर करी है कि ये अभी लमसम ये वाली अमाउंट मतलब हम कुछ सामान के लिए रख लेते हैं। तो अब आप बताओ जब वो इतना करे, जो हमें एट ए टाइम नहीं मिला, हमने मेरे फादर ने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि जी सुबह तक का कल तक का आप वेट कर लो। लड़के ने खुद बोला है और आप लोगों के कैमरेज में बोला है उसने कि जी हाँ कोई बात नहीं, मैंने इनको कहा था कि जी चलो अभी जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, 5-10 दिन बाद आप कर देना। कोमल जी, लड़के उनका उनका बड़ा भाई प्रीतम और उनके फादर बिल्कुल एग्री नहीं किया इस चीज के साथ, कहते नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। कोमल जी लड़के हो गया है, बिल्कुल कोमल जी लड़के का ये कहना कि कोमल एग्री थी, उसके परिवार वाले कर रहे हैं, कोमल तो एग्री थी। सर मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, LLB, LLM, PhD कर रही हूँ सर, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ सर। मैं मेरे फादर दोनों एजुकेटेड है, ही इज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड इज अ वेटनरी डॉक्टर एंड कम फार्मर। सर मैं किसी के दबाव में आके ये चीज नहीं बोल रही हूँ। और बेटियों मुझे अपने राइट्स का, मुझे अपने हर चीज का पता है। और बेटियों क्या संदेश देंगे सर? बेटियों के लिए, बेटियों के लिए सर मैं संदेश खड़ी हूँ सर बेटियों के लिए बिल्कुल सामने। अगर आपके फादर को कोई लात मार के, ऐसे लात मार के कोई यूं बोलता है कि नहीं नहीं करते एग्री, कर लो जो करना हो। इनका इनका एक ग्रीन कलर के यहाँ पे ग्रीन कलर के कुर्ते में होगा एक यहाँ पे आदमी दिल्ली पुलिस, उसने सर वहाँ खड़े होके उसने ये बोला जल्दी जल्दी डिसाइड करो क्या करना है, डिसाइड 2 मिनट में इधर से उधर करवा दूंगा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में हूँ मैं, इस बात का बताने का मतलब क्या बनता है कि मतलब आप अपनी उसको शो कर रहे हो, अपने स्टेटस के खिलाफ मामला दर्ज। कंप्लेंट किन के खिलाफ दी, किन किन लोगों के खिलाफ दी? क्या लात मारने वालों के खिलाफ भी दी? 3 लोगों के खिलाफ दी है हमने कंप्लेंट। उनके उनके फादर है नसीब है और उनके बड़े भाई हैं प्रीतम है। और जिन्होंने लात आप कह रहे लात जो वही तीनों बैठे थे, तीनों बैठे। कभी आपको ऐसा दिस वाज अ इंडोर रूम थिंग, मैं वहां पे बैठी हुई थी जब इन्होंने मेरे फादर को लात मारी। मैम पहले कभी बिहेवियर से ऐसा लगा कि ये सिचुएशन आ सकती है? इससे पहले मैं कभी उनके घर में रही हूँ, कभी कोई ऐसा फोन पे बिहेवियर की बात करती हूँ? हाँ, ये कहना कि भाई तुम गाड़ी सीख लो, तुम ड्राइविंग सीख लो, ये क्या होता है? कुछ और बात जो आप अपने पक्ष से रखना चाहें मैम? कुछ सर इससे ज्यादा और क्या पक्ष रखूं मैं? शुक्रिया मैम, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं फिलहाल